सबके आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक और नए बेब्लेड का जिसका नाम है रॉक लियोन। तो हाँ गाइस, ये है रॉक लियोन जो कि एक मेटल बेब्लेड है। सो गाइस, आप सब देख रहे होंगे ये ओरिजिनल नहीं है, बट ये एक फेक बेब्लेड है, बट इसकी फॉर्म ओरिजिनल जैसी है, अच्छी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में है। ये परफॉर्मेंस आपकी इसको अभी दिखाएंगे हम स्टेडियम में इसको जब रन करेंगे। उससे पहले आपको इसका बता दें, ये एक फेक बेब्लेड है, तो इसके साथ हमें इसकी एक टिप मिलती है मेटल में और एक ये टिप मिलती है हमें प्लास्टिक में। हम इसको प्लास्टिक लगा के भी इसको परफॉर्म करवा सकते हैं और इसको ये मेटल लगा के भी परफॉर्म करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें इसके ये स्टिकर्स वगैरह सब कुछ पहले से ही मिला है। आप ये भी ऊपर देख रहे होंगे, ये इसका प्लास्टिक फॉर्म में है और ये जो साइड्स है ये एक मेटल फॉर्म में है। सो गाइज, इसके साथ हमें एक ये मिलता है लॉन्चर जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी में है। मैं फील कर पा रहा हूँ इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और गाइज, इसके साथ हमें एक ये ग्रिप मिलती है जिसको हम ग्रिप में लगा के आराम से अपने इसको लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार गाइज ये कैसे होगा। तो ये है इसकी, इस साइड में हम इसको इन करके ये हम इस पे ऐसे बेबलेट को लगा के अपने, तो या हम इसको प्लास्टिक टिप लगा दें या मेटल के, दोनों से ही अपने स्टेडियम में आराम से चलेगा। और इसकी जो स्पीड है वो, अगर हम इसको लगा देते हैं प्लास्टिक में तो ये हो जाता है अटैक फॉर्म में, और अगर हम इसको मेटल में लगाते हैं तो ये डिफेंस फॉर्म में चलता है। सो गाइस, इसके साथ हमें एक ये भी ये मिला है जो है इसको एडजस्ट करने के लिए। अगर हमने इसको प्लास्टिक लगाना है तो इजीली हम इसे ऐसे प्लास्टिक इंस्टॉल करके इसको यहाँ से इस टूल के साथ हम इसको टाइट कर सकते हैं, और अगर हमने लूज करना है तो इस टूल के साथ हम इसको लूज कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये ओपन हो गया और ऐसा ही ये है। इसके साथ हमें टूल नहीं लगाना पड़ता, मेटल वाले में हम बिल्कुल आराम से इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं बिना टूल के, ये एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए गाइस, और इसी के साथ हमें एक और स्टेडियम भी मिला है जो आपके सामने है रेड कलर में। स्टेडियम की क्वालिटी ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, मेटल इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा जो कि हम आपको आगे रिव्यू करके बताएंगे कि इसमें कैसे परफॉर्म करता है। तो आइए गाइस, जल्दी से अपने बेब्लेट को अटैक मोड पे और डिफेंस मोड पे, दोनों पे आपको लॉन्च करके दिखाते हैं। तो पहले हम आपको अटैक मोड पे लॉन्च करेंगे जो कि हमने इसको सिल्वर डिप मेटल डिप लगा दी है। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे इसको 1 2 3 एंड गो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक अटैक मोड में अब चल रहा है, बहुत ही फास्ट है, परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे ये साइज में छोटा है स्मॉल है, बट बेब्लेट को कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से घूम रहा है। और अब हम इसको फिर से एक बारी प्लास्टिक फॉर्म में लगा के आपको बताएंगे। ये हमने इसको प्लास्टिक लगा दिया, अब ये डिप इसकी प्लास्टिक हो गई है। हम इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे यहाँ से टूल के साथ, और हम फिर से इसे अपने लॉन्चर के साथ एडजस्ट करेंगे। ये हो गया गाइस, अब इसकी प्लास्टिक की डिप है, अब ये डिफेंस फॉर्म में चलेगा। अब हम इसको फिर से एक बार ही आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे 1 2 3 एंड गो। बहुत ही अग्रेसिवली गाइस ये चल रहा है, ये डिफेंस फॉर्म में भी चलता है और परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा पहले वाले से भी ज़्यादा डिफेंस फॉर्म में है। बट ये जो हम पहले इसकी प्लास्टिक वो मेटल वाली डिप लगाई थी, इसमें इसका स्टेमिना ज़्यादा आता है। बस यही फर्क है कि मेटल वाली डिप से हमें स्टेमिना इसका बढ़ के आएगा और प्लास्टिक वाली डिप से हमें स्टेमिना इसका थोड़ा सा कम आएगा। सो गाइज, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आपको ये वाले बेब्लेट जो हमने आपको दिखाए हैं, जो कि एक रॉक लियोन नाम का बेब्लेट है, ये एक फेक बेब्लेट ज़रूर है, पर आपको मार्केट में चीप प्राइस में लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमें ये सारी चीज़ें, ये एक रॉक लियोन का बेब्लेट, एक ये इसका लॉन्चर ग्रिप
और ये डिप मेटल में और डिप प्लास्टिक में विद स्टेडियम, हमें 100 to 110 रुपीज़ का पड़ा है। सो गाई आप इजीली इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं बिना अपने मनी को वेस्ट किए हुए। सो गाइज कैसे लगा आपको आज का वीडियो? सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।